अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर सब्सक्राइबर हो गाइस तो आपको पता है मैंने मेरे चैनल पे ना कैंपस आर्टेमिस शूज का भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया है। और मेरे हिसाब से कैंपस ब्रांड का जो कैंपस आर्टेमिस शूज है ना इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सक्सेस आर्टिकल ऑफ द कैंपस ब्रांड। और ये जो शूज है ना गाइस कैंपस सेंसर शूज, इसका जो बनाने का कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर है कैंपस आर्टेमिस शूज से। और काफी दफा लोग कंफ्यूज भी होते हैं यार कि हमें कैंपस आर्टेमिस लेना चाहिए या कैंपस सेंसर। अब भाई कैंपस आर्टेमिस तो सक्सेस है, ठीक है, तो लेट्स चेक आउट गाइस कि ये आर्टिकल कैसा है। इशूज का नाम है सेंसर, इसकी एमआरपी है 1999। मैंने ये ब्लैक स्काई कलर मंगाया। सो गाइस सबसे पहले अगर मैं इशूज को हाथ में लूंगा ना गाइस, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से अगर मैं फील करूंगा ना गाइस, तो मेरी जो आई कैच करेगी ना गाइस सबसे पहले इस पे करेगी। किस पे पता ये? इन्फिनिटी कैप्सूल आउटसोल। और ये सेम कॉन्सेप्ट गाइस कैंपस आर्टेमिस में भी कंपनी ने यूज किया। और गाइस इसकी खासियत ये होती है गाइस, जब भी हम पैर डाल के इस पे जब भी लैंड करते हैं ना तो भाई उसमें जो शॉक एब्जॉर्प्शन मिलती है ना बहुत ज्यादा सही मिलती है, बाउंसी वाली फीलिंग आती है, इसलिए अपने कंफर्ट भी काफी ठीक लगता है। इस आउटसोल में गाइस अपने को ग्रूव स्टार पैडल मिल जाए। अभी ग्रूव्स कैसा होता है पता है कि एक होता है सोल की जो डिजाइन होती है ना उसमें काफी अंदर डीपनेस होती है। और गाइस डीपनेस की वजह से क्या होता है ना, जब आप दौड़ते या वॉकिंग वगैरह भी करते हो ना तो गाइस आपका पैर जल्दी से स्लिप नहीं होता। और गाइस दौड़ते और वॉकिंग करते टाइम ना काफी कंट्रोल मिलता है। इस शूज को गाइस जब मैंने पर्सनली पहना ना और पहनने के बाद जब मैंने इसको लैंड किया ना गाइस, तो आप मानो मेरी बात, लैंडिंग के टाइम पे जब इसका सोल जो ट्रैक्शन होके जो भी ये कंप्रेस होके वापस अपनी जगह पे आ रहा था ना वो काफी ज्यादा अपेरेंट था। मतलब मैंने जब पहना था मैं वो कंफर्ट तो मिल रहा था भाई, लेकिन जब आप वीडियो में भी देखोगे ना तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब जिस तरीके से वो दबता है और कैसे वो वापस अपनी जगह पे आता है, ये गाइस इन्फिनिटी कैप्सूल सोल का कमाल है। ब्रांडिंग की बात करें गाइस, यहाँ पे हाइलाइट्स पे दोनों तरफ ब्रांडिंग मिल जाएगी, टैंक पे ब्रांडिंग मिल जाएगी, उसके अलावा अपर पे यहाँ पे साइड में यहाँ पे कैंपस का लोगो दिख जाएगा, उसके अलावा दूसरे साइड यहाँ पे स्पोर्ट्स लाइफ करके प्रिंट किया है। उसके अलावा आउटसोल में गाइस इन्फिनिटी कैप्सूल की ब्रांडिंग मिल जाएगी, टैंक के पीछे आपको साइज स्ट्रक्चर चार्ट मिल जाएगा, उस पर भी कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इंसोल पे आपको रनिंग प्रिंट किया हुआ और कैंपस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अपर की बात करें गाइस, तो यहाँ पे अपने को मैश अपर मिल जाएगा। मैश अपर की खासियत है गाइस कि इसमें एक तो इजीली क्रीजेस नहीं आते, ठीक है, मतलब होता है ना रेजिन वाले जूते पे थोड़े दिनों के बाद ही उसमें ना इस तरीके से यहाँ पे वो क्रीजेस आ जाती है, बट वो डेफिनेटली इस टाइप के मैश अपर में नहीं आते। प्लस ये जल्दी फटता भी नहीं है यार, और इसमें ब्रीदेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इस अपर के पीछे जब मैंने पर्सनली हाथ डाल के जब फील किया ना गाइस, तो कंपनी काफी अच्छी लाइनिंग यूज करती है। मतलब गाइस लाइनिंग को जब मैंने पर्सनली हाथ लगा के भी फील किया ना गाइस, तो काफी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था। मतलब गाइस जब आप पैर डालोगे ना इस शूज में, आपके पैरों का ऊपर का पोर्शन जब भी अपर पे टच होगा ना तो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं होगी, आपको कंफर्ट ही लगेगा। इस शूज में का जो टो बॉक्स की जो स्पेस है ना वो भी काफी ज्यादा ठीक है, ठीक है, मतलब आप जब पैर डालोगे ना उसमें तो आपके उंगलियों को डेफिनेटली बिल्कुल भी कंजस्टेड फील नहीं होगा, वो एकदम रिलैक्स रहेगी। और जब उंगलियां रिलैक्स होते ना गाइस, तो अपन उस शूज को काफी लंबे समय तक कंटिन्यू पहन सकते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। टंग कुशनिंग, कॉलर कुशनिंग इस शूज की काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। इसके पहले मैंने कितनी बार आपको बोल चुका हूं गाइस कि कैंपस की कुशनिंग काफी ज्यादा ठीक आती है। नेक्स्ट गाइस अगर मैं इंसोल की बात करूं इस शूज में, यहां पे अपने को ब्लू कलर की इंसोल मिल जाती है जिसकी सॉफ्टनेस काफी ठीक है। हां मेमोरी फोम नहीं है, अंडरस्टैंड। बेसिकली कैंपस ग्रैंड गाइस दो टाइप की इंसोल काफी ज्यादा यूज करते हैं, एक तो वो मेमोरी फोम वाली है, उसके अलावा ये इस टाइप की इंसोल। मतलब आप तो पैर डालोगे ना आपको कंफर्ट लगेगा। इसके अलावा हाइलाइट्स की बात करें गाइस, यहां आपको ब्लैक कलर का टीवी पोर्शन मिल जाएगा जिसके अंदर से लेसेस वगैरह गई है, और ये पोर्शन जो होता है ना गाइस काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। आप कितना भी कस के अगर लेसेस बांधोगे ना तो भी आपका ये अपर डैमेज नहीं होता, व्हिच इज गुड थिंग अबाउट दिस मटेरियल। उसके अलावा पीछे की तरफ यहां पे अपने को लूप मिल जाएगा, ठीक है, और लूप का यूज इसीलिए दिया जाता है ताकि आप इसमें पैर डालते हुए इसका यूज कर सको। लेकिन भाई मैं अगर अपनी पर्सनली भी बात करूं ना गाइस, तो आई नेवर यूज दिस लूप। बेसिकली हम तो ये सोचते कि यार ये टंगाने के लिए दिया है कंपनी ने, हम तो बेसिकली यहां पे उंगली डाल के ही पहन लेते शूज। नेक्स्ट गाइस फिनिशिंग की बात करो शूज में गाइस, तो आप मानो मेरी बात, फिनिशिंग वाइज भी ये शूज की फिनिशिंग काफी ज्यादा सही है। कहीं भी इतना स्पिल ऑफ नहीं था गाइस कि अपने आंखों को ऐसा लगे यार अरे यार कंपनी ने यहां पे ये क्या कर दिया, बट डेफिनेटली नॉट, कंपनी की फिनिशिंग काफी ज्यादा सही थी। इन शॉर्ट अगर मैं मेरा वर्डिक्ट दूं ना गाइस, तो देखो 1999 की इसकी एमआरपी है, मैं भी समझता हूं 2000 रुपए मतलब है काफी, एक काफी प्रीमियम रेंज हो जाती है 2000 रुपए के आसपास, ठीक है। और कैंपस आर्टेमिस शूज जो कंपनी की है वो काफी ज्यादा सक्सेस आर्टिकल है। आपने मेरे वीडियो से कमेंट सेक्शन में भी डेफिनेटली देखा होगा, मैंने लोगों को काफी ज्यादा रिकमेंड किया था कैंपस आर्टेमिस लो, कैंपस आर्टेमिस लो, और कंपनी ने उसी लक्ष्य कदम पर चल के अगर कैंपस सेंसर बनाया, तो आप मानो मेरी बात, ये भी काफी ज्यादा सही आर्टिकल है। मेरा मतलब शूज है, वेट वाइज भी बात करूँ गाइस तो काफी ज्यादा रीजनेबल वेट है, और पहनने के बाद काफी ट्रू टू साइज, ठीक है। जो साइज आपको आता है वही आप ऑर्डर करो, आगे पीछे करके गलती बिल्कुल मत करना। मतलब 8 आते तो 8 ही लेना, 9 आते तो 9 ही लेना। लुक वाइज अगर बात करूँ गाइस, तो ये शूज अगर मैंने जींस वगैरह पे भी अगर आप पहनेंगे ना गाइस, तो आप मानो मेरी बात काफी ज्यादा ठीक लगेगा। जब आप जींस भी पहन के ये शूज पहनोगे ना गाइस, तो आपके आउटफिट पे काफी ज्यादा मैच होगा, ठीक है। और भाई देखो जिम विम के लिए अगर शॉर्ट वॉर्ट्स के नीचे भी सॉक्स वॉक्स डाल के अगर इस टाइप के शूज पहनोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा सामने वाले को देखने में और आपको ये शूज पहनने में। टिपी आउटसोल के साथ गाइस यहाँ पे अपने ईवर ब्रांड मिडसोल भी मिल जाती है। आप जब लैंड करते हो ना गाइस, तो वो आप वो जो मिडसोल जो होती है ना, उसको भी आप डेफिनेटली काफी फील करोगे कि हाँ वो दब रही है और वापस अपनी जगह पे आ रही है, विच एनेबल्स मोर कंफर्ट। मेरे हिसाब से कैंपस ब्रांड है ना गाइस बजटेड सेगमेंट में ना एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा ब्रांड बन चुका है। आफ्टर ऑल इंडिया का लीडिंग शूज मैन्युफैक्चरर है, और गाइस सबसे बेस्ट बात गाइस कि ये मेड इन इंडियन ब्रांड है, विच डेफिनेटली मेक्स अस प्राउड यार। बस आने वाले टाइम में मैं कैंपस ब्रांड को ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि आप अभी जो ये रेंज जो बना रहे हो ना बहुत ज्यादा सेट हो चुके हैं, अब आप थोड़ी सी और प्रीमियम
प्रीमियम रेंज में जाओ। और जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रहे, जो इंडिया में सेल्स कर रहे हैं, आई जस्ट वांट कि आप उसको एकदम टफ फाइट दो इन दोस प्रीमियम रेंजेस। मतलब 4-5 हज़ार में तो 10 हज़ार के भी जूते बनाओ यार। तो उनको भी लगना चाहिए यार कि कैंपस भी किसी से कम नहीं है। सो गाइस, अगर आपका कोई भी फ्रेंड प्लान आउट कर रहा ना उसको स्पोर्ट्स शूज खरीदने का, उसको डेफिनेटली बोलना कि वो मतलब कैंपस सेंसर शूज को भी कंसिडर कर सकता है। ठीक है, ये शूज गाइस में कैंपस के वन ऑफ द गुड शूज में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके सामने जब भी इंडियन ब्रांड से कोई भी नया आर्टिकल या नए शूज या नए फुटवेयर या कुछ भी नया नया आता रहे, मैं उसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू करो। एंड इफ यू वांट टू सी इट ना गाइस, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।